एक तो है पेंडेमिक का जो महामारी, दूसरी वेव, दूसरी लहर जो है जारी है, और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो इसके किस तरह बच्चे जूझे हुए हैं। और दूसरा है ड्रग्स, आप देखा गया है तो बहुत सारे ड्रग्स जो पेडलर जो कि बहुत ही उभरते आए हुए हैं, जो पुलिस ने पूरे ऑपरेशन जारी है। तो इसी सिलसिले में जो कल महादीपुर पुलिस कल एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो उससे 400 ग्राम्स ड्रग्स का जो क्वांटिटी है, सस्पेक्टेड ब्राउन शुगर पकड़ा गया है। तो उनसे इसी सिलसिले में हमने जानने के लिए यहाँ आए हैं महादीपुर पुलिस स्टेशन में। यहाँ के अधिकारी से हम लोग जानेंगे इसका बारे में। सर, कल ड्रग्स के सिलसिले में एक व्यक्ति को आपका पुलिस ने जो पकड़ा, थोड़ा सा उसका डिटेल्स, कहाँ से पकड़ा था उसको, कितना क्वांटिटी मिला है, सर थोड़ा सा डिटेल्स बता दीजिए। अच्छा, ये ऐसा था, यहाँ में हमारा महादेवपुर ये लेगंग एरिया में, नमसाई ये एरिया में हमेशा ड्रग ये पेंडिंग लोग का ड्रग मेनेंस ज़्यादा है, इसलिए हम लोग गया सप्ताह से पूरा जोरदार लगा रहा था अपना ओन सोर्स और जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग पूरा कलेक्ट कर रहा था, ये लोग का पीछा कर रहा था। तो कल ऐसा था, मैंने हमारे ये सेकेंड ओ सी एन सिंह साहब लोग को इसलिए हमने पेट्रोलिंग भेजा था, तो पेट्रोलिंग ऑन दी हुए मैंने फिर वो लोग को मैंने ओन सोर्स से इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन मिल गया, ऐसा ऐसा मैंने ये आदमी ने ड्रग लेके जा रहा अपना वो ये मोटरसाइकिल से ये विपुल दहोदिया बोल के, वो महंग तो वो असम बडुमसा का अंदर में है थाना, तो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का है। तो वो लेके अपना बाइक में जा रहा था बोला, तो बाइक नंबर भी हम लोग को मिल गया, तो वो लोग को इमिडिएटली नाका लगा दिया गया और नंकन छारली एरिया में, तो उसमें मैंने उनको इंटरसेप्ट करके पकड़ा दिया गया। तो साथ ही साथ हमारे ये सेकेंड ओसी साहब ने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को उधर स्पॉट में बुला के सीज पीस कर दिया, 400 ग्राम अप्रोक्सीमेटली है इसका, और लोकल रेट ये लोग का वैल्यू इसका 4 लाख है। तो ये हम लोग का मैंने बोला जाए तो हमारा ऑल अरुणाचल का एक बड़ा कैच है, मैंने सो फार 400 ग्राम तो मामूली नहीं है। तो ऐसा करके हम लोग का इस मैंने ये में मोइना में हमारा ये नमसाई डिस्ट्रिक्ट का नमसाई पुलिस लोग का अचीवमेंट बहुत अच्छा है। हम लोग 10 केस एनडीपीएस का हम लोग रजिस्टर हो गया है और 15 ये ड्रग पेडलर कंज्यूमर लोग को हम लोग अरेस्ट किया है। तो ये सब क्रेडिट जाता है हमारा एसपी सर का, एसपी सर का डायरेक्शन गाइडेंस, उनका जितना हम लोग को ये सब करने के लिए जागृति दिया है, इसी का ये परिणाम है। तो एक्चुअली मैं अपना एसपी सर को ही क्रेडिट देना चाहता हूँ, उनका थ्रू से, उनका जितना मैंने हमारा अपना पुलिस फोर्स लोग है, हमारा एसबी लोग है, इसलिए इनपुट गेदर करके ये सब कामयाब हासिल किया है मेरा ये डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं केस में रजिस्टर हुआ, ये केस महादेवपुर पीएस महादेवपुर टना में केस रजिस्टर हुआ है, ये महादेवपुर टना है, केस नंबर 9/21 है, अंडर सेक्शन 21C एनडीपीएस एक्ट। 21C जो है ये कमर्शियल क्वांटिटी हो गया, इसलिए 21C में लगा दिया गया है। और उनको तो आज ये 5 दिन का हम लोग पुलिस रिमांड लेके वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रोडक्शन करके 5 दिन का पुलिस रिमांड लेके इंटरोगेट जारी है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है हम लोग। सर, एज ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस टीम नमसाई का, तो यूथ है जो पेडलर है, उनसे क्या संदेश देना चाहोगे आप, जो सेवन करता है, जो पेडलर करता है, सर आपसे क्या संदेश रहे? इसलिए मैं हम लोग हमेशा यही कहता हूँ, हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस लोग, ये लोग को ये सब कंट्राबैंड सब्सटेंस यूज़ मत करो, तुम लोग पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान रहो, अनएम्प्लॉयमेंट में यहाँ घूमते मत रहो, ये सब कह के घूमते मत रहो, कुछ नौकरी करो, इंटरव्यू के लिए हमेशा प्रिपरेशन रहो, हम लोग यही वो लोग को समझाते रहता है, लेकिन साला ये लोग सुनता ही नहीं, इतना एडिक्ट हो गया, अब भी तुरा इधर जाएगा बोलेगा पेट्रोलिंग नाका में भी
तो अभी इधर से सारा ऐसा ये मेडिकल काम है वो काम है जूत बोलेगा, तो इसलिए मैंने वो लोग को उतरा और हम लोग करना पड़ेगा, हम लोग ग्रासरूट लेवल से विलेज वाइज मैंने थोड़ा हम लोग ये करना पड़ेगा, विलेज का यूथ को हम लोग एक्टिवेट करना पड़ेगा। और यहाँ में ऐसा है मैंने आपका हम लोग का विलेज वॉलंटियर फोर्स है मैंने BDP बोलता है, वो लोग को और एक्टिव करना पड़ेगा मोर, ताकि अपना खुद विलेज लेवल में वो लोग कंट्रोल कर सके। पुलिस कहाँ तक किसका बस्ती में बस्ती बस्ती में घूम के उसको दौड़ते कंट्रोल करने की कोशिश मैंने सकेगा, नहीं सकेगा ना। बस्ती वाला भी तो हम लोग को मदद करना पड़ेगा, बस्ती का जितना एजुकेटेड लोग है सब मदद करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा स्टेट मिशनरी ये सब को स्टेट लॉ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी लोग कंट्रोल करने सकेगा, नहीं तो नहीं सकेगा। इसलिए मैं यूथ लोग को यहाँ अपना एरिया का यूथ लोग को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग ये सब कंट्रावेंट सब्सटेंस या ब्राउन शुगर ये सब आजकल तो इंजेक्शन वाला भी मारता है, टेबलेट वाला भी खाता है, और ये यहाँ इनहेल करने वाला भी लेता है, ये सब यूज़ नहीं करना है। अच्छा से अपना फ्राई लिखाई करके कुछ नौकरी वोकरी या कुछ सेल्फ हेल्प बिजनेस स्टार्टअप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप भी आजकल खुला है ये गवर्नमेंट का ये से, तो वो सब में घुस जाइए। तो ये नशा पानी ये ड्रग वाला ये सब छोड़ देना चाहिए बिल्कुल, मैंने यही मैं वो लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ का ड्रग एडिक्टेड यूथ लोग को। थैंक यू।